हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस न्यूज चैनल दैट इज राजेंद्र साइंस गुरु। यू नो वेरी वेल टू मी राजेंद्र प्रसाद वर्मा। बेटे आज टुडे मैं आपको सेकेंड पार्ट ऑफ हीट, सेकेंड पार्ट यस्टरडे आई हैव डिस्कस, कल मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, सेकंड पार्ट आज की बात करते हैं। वैसे हीट मैंने इसे एब्रिविएट किया है बेटा, आई हैव एब्रिविएटेड दिस, मैंने इसको एब्रिविएट कर दिया है अपार्ट फ्रॉम द साइंस। साइंस से अलग हीट के थ्री फोर लेटर्स होते हैं, एच ई ए टी हीट, एंड लिटरल मीनिंग अगर ऐसे देखिए, आपको इनकरेज करने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए, यस मीन्स हाईएस्ट, डू हार्ड वर्क, ई मीन्स एनर्जी, बाय डूइंग हार्ड वर्क यू विल गेट एनर्जी, आफ्टर गेटिंग एनर्जी यू हैव टू एडमायर एंड ट्रांसफॉर्म, मीन्स उसे आप एनर्जी को कहाँ से यूज करेंगे, कैसे करेंगे, एंड देन आफ्टर गेटिंग एनर्जी, आफ्टर गेटिंग नॉलेज, ऑल दैट यू हैव टू बी डू दैट, टी फॉर टैलेंट, टैलेंट मीन्स आप में एबिलिटी आएगी, यू विल गेट द एबिलिटी, यू विल गेट एबिलिटी, आप में योग्यता आएगी और देन यू कैन डू बेटर। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने आपको थोड़ा सा आई हैव गिवेन द रिलैक्स टोकन एंड साइंस के अलावा मैंने इसको अलग से एब्रिविएट कर दिया है, कोई टीचर से एब्रिविएट इस तरीके नहीं करेगा जैसे मैंने किया, एस फॉर हाइएस्ट, ई फॉर एनर्जी एंड ए फॉर एडमायरेशन एंड टी फॉर टैलेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ हीट एनर्जी, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे द मेजरमेंट ऑफ हीट, हम कैसे इसे मेजर करेंगे, हाउ वी कैन मेजर, सो दैट मेजरमेंट ऑफ हीट मीन्स देर विल बी टू पॉइंट, देर विल बी फ्रॉम जीरो, जीरो टू सम रेंज, सपोज जीरो टू 37 it will start, suppose this is the range, so between the two ranges the measurement of heat we can know, zero से अगर हम किसी temperature है 30 degree तो 30 degree होगा, 40 है 40 degree होगा, 27 all these degree, how we can measure the temperature, हम इसे कैसे इसे measure करते हैं, नाप सकते हैं, जो सो मेजर देर आर दी टू प्रोसेस, थर्मामीटर, थर्मामीटर दैट इज द ग्लास थर्मामीटर, दिस इज ओल्ड थर्मामीटर, इसे क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं, क्लिनिकल, 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 क्लिनिकल थर्मामीटर, इन द ओल्डन टाइम, पहले बहुत पहले डॉक्टर्स जो है वो पुराना थर्मामीटर रखते थे ग्लास, जिसमें मर्क्यूरी होता है, पारा, मर्क्यूरी, एच जी दैट इज मर्क्यूरी दैट हैज टू रिमेन एट द रूम टेम्परेचर इन इट्स नॉर्मल फॉर्म, इट एंड टेम्परेचर व्हेन गोज अप इट विल नॉट मेल्ट, व्हेन टेम्परेचर डाउन्स इट आल्सो विल नॉट बी बिकम इन डिफरेंट से। नाउ आप देखिए, मैंने आपको बताया ग्लास थर्मामीटर, पहले डॉक्टर जो होते थे जाते थे तो मुंह में ऐसे थर्मामीटर लगा देते थे या बच्चों के यहाँ लगा देते थे, बिकॉज देर आर द टू पॉइंट्स वेयर द एनर्जी ही आवर बॉडी वार्म आर हीट अप विल बी वेरी वेल, एंड द आर्मपिट एंड द दिस वे, देर आर द टू पॉइंट्स आप इन द स्मॉल चिल्ड्रन माउथ, अगर छोटे बच्चों को थर्मामीटर पुराना ऐसे मुंह में डाल दिया जाता तो मान ली मिस्टेक्स, उसने दबा दिया तो उसकी ग्लास ब्रेक हो सकती है, एंड थर्मा मर्करी इज आल्सो वेरी हार्मफुल फॉर अस। नाउ द डिजिटल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर डॉक्टर्स यूज, नाउ द डिजिटल थर्मामीटर, एंड डिजिटल थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन द एलसीडी डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले इट हैज टू जस्ट टचिंग बाई इट
इट वी कैन नो द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी. सो रेंजेस, रेंज क्या है टेम्परेचर के, हाउ वी कैन मीजर 35 to 42. ये कौन से टेम्परेचर के लिए बेटा, ये ओल्ड यानी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल के लिए है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल. When the doctors use in the traditional manner, so this way in the traditional manner, doctors were using the range of measurement between 35 to 42 degrees Celsius. Now, the normal that is the distal thermometer 39.6 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. It is the standard. By there will be no any fault, there will be no any mistake possible. यहाँ कोई mistake हो ही नहीं सकती. So now these days doctors are using the digital thermometer for measurement of fever. Now the normal temperature, room का temperature normal कितना होता है बेटा, 23 degrees to 23 degrees Celsius, that will be converted into Fahrenheit. 72 Fahrenheit. Body temperature, human body temperature 36.9 degrees Celsius to degrees Celsius, that ranges and it will be equal to 98 degree Fahrenheit. Now the boiling of the water, boil water, water boils at 100 degree Celsius and this will be equal to 212 degree Fahrenheit. Now the freezing of water, water freezes when it is kept, freezing of water, water freezing that will be 0 degree Celsius to 32 degree Fahrenheit. 0 degree पर जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, आइस में बर्फ में चेंज हो जाता है और वो इक्वल किसे होता है 32 degree Fahrenheit. नाउ अब आपको नाउ यू कैन नो दैट ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट इज ट्रांसफर. यस्टरडे कल मैंने आपको बताया था, देखिए समटाइम्स दी फ्रोजन बोटल्स इन द चिल्ड ट्रे रेफ्रिजरेटर दैट हैज टू क्रैक डाउन. इन द वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, समटाइम्स द पाइप, वाटर पाइप्स विच इज रनिंग इन साइड द हाउसेज एंड आउटसाइड ऑफ इट, समटाइम्स गैस टू क्रैक. कभी कभी क्या बोलते हैं, टूंटियाँ जो होती जो पाइप्स हैं वो फट जाती हैं क्योंकि उसमें वाटर जो है जम जाता है, फ्रीज हो जाता है एंड ड्यू टू दिस डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी बढ़ जाती है सो इसे फट जाता है इन द ओल्ड एज. और आप जो चिल्ड बोतल लाइए जो बर्फ से जमा हो रखिए, आफ्टर 10 मिनट्स यू बी लिसन, थोड़ी सी आज क्रिक चिक चिक करके आवाज आएगी, मीन्स दैट है टू एक्सपेंशन ऑफ टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस. इन द सेम वे व्हेन द कार, बुलेट कार्ट, द व्हील्स वुडन हील्स दैट इज ए रिम्ड, आयरन की रिम जो लगती है वो बिल्कुल हॉट हो करके फिर उसके जो वुडन रिंग बनी होती है उसके साइड में फिट कर देते हैं एंड दैट साइड विल बी मोर. एंड व्हेन इट विल बी कोल्ड, जब वो ठंडी हो जाती है तो बिल्कुल हैविंग ए फर्म ग्रिप, उस पर एकदम फिट और चिपक जाती है. दैट्स वाई द वुडन wheel will not cut or decay very soon. वो जल्दी से घिसता नहीं, that's why. Now transfer of heat. Heat energy is transferred in the different form. Heat energy is transferred into the different form. पहला है conduction, conduct, convection and third is radiation. Conduction, convection and radiation, these are the three methods by which the heat energy get transferred.
three methods. There are the three methods. One by one, I have to tell, I have to explain you,